एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, आज का टॉपिक क्या है? मॉडल वर्ब्स किसमें यूज करेंगे, वर्ब फ्रेसेस में। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? दिखते हैं यहाँ पर हेडिंग, मॉडल वर्ब्स इन किसमें, वर्ब फ्रेसेस। ये स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब फ्रेसेस का सेकेंड पार्ट है। मॉडल वर्ब यूज हुए हैं वर्ब फ्रेसेस में। तो आपको पता है मॉडल वर्ब क्या होते हैं, कैन, कुड, शुड, ये सब होते हैं। तो अब इनको डिटेल में जानते हैं। तो लिखिए, मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या होते हैं, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। किस लिए यूज होते हैं? दैट आर यूज, किस लिए यूज होते हैं? अलोंग विद, मेन वर्ब के साथ ये यूज होते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए? टू रिप्रेजेंट ability, possibility, या फिर बोल सकते हैं probability। किसकी? of a subject, sentence में subject होता है, उसके बारे में क्या बताएगा, या तो उसकी ability को represent करेगा। एबिलिटी क्या होता है, जिस काम को वो कर सकता है। पॉसिबिलिटी क्या होता है, जो काम हो सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसमें दोनों तरह के चांसेस रहते हैं, यस भी और नो भी। किसके बारे में बताएगा? सब्जेक्ट के बारे में। टू डू एन एक्शन, सब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, उसमें काम हो रहा होगा, एक्शन हो रहा होगा। एंड emphasize the necessity of an action। किस पे focus करेगा ये? action की necessity पे क्या करेगा? focus करेगा। तो model verbs अभी हमने क्या पढ़े? मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही होते हैं, जो कि यूज़ किए जाते हैं मेन वर्ब के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए सब्जेक्ट की एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, या फिर बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी को, जो कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा होगा उस काम की। ठीक है, एम्फसाइज क्या होता है? फोकस करना। तो फोकस किस पे होता है इसका? नेसेसिटी ऑफ एन एक्शन। ठीक है, एक्शन पे फोकस होता है। तो अभी एग्जाम्पल देखें, अगर मॉडल वर्ब्स के कौन कौन से हो सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर, दे इंक्लूड क्या क्या हो सकते हैं? कैन, कुड, should, would, may, might, will, must, ought। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं मॉडल वर्ब, जो कि हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ठीक है, तो मॉडल वर्ब क्या होते हैं, यहाँ पर आगे लिखते हैं। जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं? फिनाइट वर्ब्स भी होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, बता रखे हैं आपको। फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जो कि सब फाइनल
फाइनाइट वर्ब्स क्या हो रखे हैं, मैंने आपको बता रखे हैं फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जो कि शो करते हैं सब्जेक्ट को या फिर टेंस को, उनके पास क्या होता है सब्जेक्ट होता है और क्या शो करते हैं टेंस को शो करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फिर कुछ एग्जाम्पल्स मॉडल वर्ब्स के। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर वन देखते हैं, यू मे फिनिश, ये एफ है, ठीक है, यू मे फिनिश योर होमवर्क टुमारो। पहले एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ, जैसे शुड वी ड्राइव टू द कॉन्सर्ट टुगेदर। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, कैन एवरी वन हियर माई इंस्ट्रक्शंस। कभी इन्हीं तीनों पे फोकस करते हैं, ये सेंटेंस क्या कह रहे हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू मे फिनिश योर होमवर्क टुमारो, ये क्या कहता है कि तुम कल अपना होमवर्क पूरा कर सकते हो। बताया था मे जो होता है, नहीं आप बताइए इसमें से मॉडल वर्ब कौन सा है, आपको बताया था मैंने कौन सा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मे, मे मतलब क्या होता है, सकते हो या फिर सकते मतलब मेन होता है। ठीक है, वो आगे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा किसके बारे में बात हो रही है। तो यू मे फिनिश योर होमवर्क टुमारो, तुम कल अपना होमवर्क पूरा कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हो गया, मॉडल वर्ब, शुड वी ड्राइव टू द कॉन्सर्ट टुगेदर। तो इसमें आपने देखा होगा मॉडल वर्ब कौन सा है, बताइए, आपको समझ आ चुका होगा अभी तक, इसमें मॉडल वर्ब है क्या है, शुड, शुड मतलब क्या होता है, चाहिए। ठीक है, तो शुड वी ड्राइव टू द कॉन्सर्ट टुगेदर, क्या हमें कॉन्सर्ट में साथ जाना चाहिए। तो इसमें शुड जो है क्या हो गया, ये मॉडल वर्ब हो गया, और इसमें एक्शन क्या हो रहा है, ड्राइव। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक्शन। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, अगर थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, पढ़ते हैं इसको, कैन एवरी वन हियर माई इंस्ट्रक्शन, ये क्या कह रहा है कि क्या सभी लोग मेरे इंस्ट्रक्शंस सुन सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किया गया है, ये इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि जो मॉडल वर्ब है वो किस क्या कब आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, इसमें भी स्टार्टिंग में आ रहा है क्वेश्चन मार्क, इसमें भी स्टार्टिंग में आ रहा है क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया गया है। तो मॉडल वर्ब कैन, देखिए मैंने आपको ये भी लिखवा रखा है, कैन मतलब क्या होता है, सकता या फिर सकती, जेंडर के ऊपर बेस्ड होगा ये। तो क्या कह रहा है, कैन एवरी वन हेयर माई इंस्ट्रक्शंस, क्या सभी लोग मेरे इंस्ट्रक्शन सुन सकते हैं। तो इसमें जो कैन है ये क्या है, मॉडल वर्ब, और इसमें काम क्या हो रहा है, हियर का, और इसमें काम क्या हो रहा था, ये बताया नहीं, इसमें काम क्या हो रहा है, फिनिश का, ये क्या हो रहा है, एक्शन है, इसमें वर्ब है ये। ठीक है, तो ऐसे ही एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, तीन लिखवा दिए, फोर और फिफ्थ देख लेते हैं। द टीम मस्ट रेज इनफ मनी फॉर न्यू यूनिफॉर्म दिस ईयर।
तो ये क्या कह रहा है कि द टीम मस्ट रेज इनफ मनी फॉर न्यू यूनिफॉर्म दिस ईयर। तो अगर इसका मतलब देखेंगे तो टीम को इस साल न्यू यूनिफॉर्म के लिए इनफ मनी मतलब चाहिए होगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे मॉडल वर्ब कौन सा यूज हुआ है, मस्ट, ये क्या है मॉडल वर्ब। और इसमें सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, बढ़ाने का, रेज, ये क्या हो रहा है एक्शन। ऐसे ही लास्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, फिफ्थ प्रिया विल बाय अ गिफ्ट। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रिया विल बाय अ गिफ्ट, जो प्रिया है सब्जेक्ट कौन है इसमें, प्रिया, और इसमें मॉडल वर्ब कौन सा है, विल। जो विल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रिया क्या करेगी, गिफ्ट खरीदेगी, ठीक है। इसके आगे आप और ऐड कर दीजिए किसके लिए, फॉर हर ब्रदर, अपने ब्रदर के लिए, अपने भाई के लिए। तो इसमें आपने देखा कि विल जो है मॉडल वर्ब है, काम क्या हो रहा है इसमें, खरीदने का, तो एक्शन क्या हो रहा है, बाय। तो इसी तरह आज हमने क्या देखा कि जो मॉडल वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करती है, और किसके साथ यूज़ की जाती है, मेन वर्ब के साथ यूज़ की जाती है। सब्जेक्ट की एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, या फिर बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मॉडल वर्ब थे जो कि हमने सेंटेंसेस में यूज़ करके देखे हैं। और मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स भी होते हैं, ठीक है। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और ये टेंस को शो करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल देखे थे जिसमें जो सब्जेक्ट था उनकी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को शो किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।